अच्छा जी, सो लास्ट वीक वी स्टॉप एट दिस पॉइंट। सीरियल कम्युनिकेशन हमने डिस्कस नहीं की थी, वी डिस्कस टाइमर्स। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सीरियल कम्युनिकेशन एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू इंटरफेस एलसीडी। ठीक है, यू गाइज आर विद मी राइट? यस सर। राइट। अच्छा, देर आर फंडामेंटली टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक पैरल है, दूसरा सीरियल। सीरियल का फंडामेंटल एडवांटेज ये है कि यू कैन यूज लेसर नंबर ऑफ वाइट्स टू कम्युनिकेट मोर। ये आप लोग RJ45 केबल लगाते हैं लैन कार्ड के साथ, या इससे पहले मोडेम हुआ करता था, विच वॉज मोस्टली एन एनालॉग कनेक्शन। तो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कास्ट, व्हाट वी डू, वी यूजुअली यूज सीरियल कम्युनिकेशन। डिसएडवांटेज ये है कि सीरियल कम्युनिकेशन कैन नॉट बी फास्टर देन पैरेलल कम्युनिकेशन, इसलिए कि इमेजिन 8 पीपल आर ट्रांसफरिंग द डेटा एट द सेम टाइम एंड वन पर्सन इज डूइंग वन बिट एट अ टाइम। सो नेचुरली सीरियल कम्युनिकेशन थोड़ी सी स्लो होगी एंड पैरेलल कम्युनिकेशन इज सपोज टू बी फास्टर। फिर सीरियल कम्युनिकेशन में देर आर टू टाइप्स, वन इज सिंक्रोनस एंड अदर वन इज एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में पूरा एक ब्लॉक ऑफ डेटा हम भिजवाते हैं, एसिंक्रोनस मेथड में हम सिंगल बाइट भिजवाते हैं, फिर देन वी वेट फॉर इट टू बी रिसीव्ड एट द अदर एंड एंड देन वी ट्रांसमिट मोर स्टफ। सो सिंक्रोनस में ये है कि पहले से दो मशीन्स जो है आपस में एग्री कर लेते हैं कि जी हमने किस स्पीड पे कम्युनिकेशन करनी है, तो उसमें इट डजन हैव टू वेट फॉर द अदर वन टू गेट रेडी। फर्दर आप लोगों ने नाम सुना होगा UART का, यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर, और दूसरा USART, सो दैट इज यूनिवर्सल सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। सो दीज आर द फंडामेंटल वर्डिंग दैट्स बीन यूज आउट देयर, UART या USART। USART में यह है कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों होते हैं, UART में सिर्फ एसिंक्रोनस ट्रांसीवर होता है। ट्रांसीवर इज द वर्ड यूज व्हेन यू हैव बोथ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर इन ए सिंगल एंटिटी। अच्छा, इसके अलावा कम्युनिकेशन के फंडामेंटल टाइप्स कितने हैं? सो देयर इज सिंप्लेक्स, जिसमें आपका डिवाइस या तो ट्रांसमीटर होता है या रिसीवर होता है। सो यू कैन नॉट हैव बोथ एट द सेम टाइम, सो यू हैव आइदर ट्रांसमीटर और रिसीवर। तो कोई डिवाइस या तो कंटिन्यूसली ट्रांसमिट कर रहा होता है या रिसीव कर रहा होता है। सेकेंड टाइप इज हाफ डुप्लेक्स, जिसमें आपके पास ट्रांसमिशन और रिसीवर दोनों होते हैं दोनों एंड पे, लेकिन दे बोथ कैन नॉट कम्युनिकेट एट द सेम टाइम। सो एट एनी वन टाइम या तो ट्रांसमिट कर रहा होता है कोई डिवाइस या रिसीव कर रहा होता है, दिस इज कॉल्ड हाफ डुप्लेक्स। एंड देन द लास्ट वन इज फुल डुप्लेक्स, जिसमें ट्रांसीवर दोनों एंड पे होते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से। सो इस केस में दे कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव एट द सेम टाइम। ठीक है, सो लेट मी रिपीट इट अगेन, देर आर फंडामेंटली थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरियल कम्युनिकेशन। वन इज सिम्प्लेक्स, जिसमें आपके डिवाइसेस या तो ट्रांसमिट कर रहे होते हैं या रिसीवर पे सिर्फ रिसीवर होता है। ठीक है, सेकेंड इज हाफ डुप्लेक्स, जिसमें आपके ट्रांसमिटर और रिसीवर दोनों एंड्स पे होते हैं, लेकिन ये है कि एट एनी वन टाइम या तो ट्रांसमिशन हो रही होती है या रिसेप्शन हो रही होती है, दोनों एट द सेम टाइम नहीं होते। थर्ड वन इज फुल डुप्लेक्स, जिसमें आप ट्रांसमिट भी कर सकते हैं रिसीव कर सकते हैं एट द सेम टाइम। इज इट क्लियर? हेलो। यस यस सर। सर, यस सर। गुड गुड। अच्छा, ये आपके वाइवा के क्वेश्चंस हैं तो याद रखने हैं आप लोगों ने। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट चीज प्रोटोकॉल। आपने नाम सुना होगा, दिस इज अ सेट ऑफ रूल्स एग्रीड बिटवीन टू पार्टीज। जैसे कि आप सीक्रेटली कोई चीज अगर भिजवाना चाहते हैं अपने दोस्त को, तो पहले से उसको इंस्ट्रक्शन दे दें कि जी ये इसी तरह वाइट इनवेलप में होगा, उसके अंदर इस ये चीज होगी, ये होगी, वो होगी, दिस इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। सो ये पहले से एग्रीड होते हैं दो एंटिटीज के दरमियान, उसके बेस पे ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं। आप लोगों ने TCP प्रोटोकॉल और ये सारी चीजें नाम सुना होगा इसका। प्रोटोकॉल का फंडामेंटली यही मतलब है कि आप इस सेट ऑफ रूल्स जो है वो पहले से एग्री हो दो डिफरेंट एंटिटीज में, जिसके जरिए ये आपस में कम्युनिकेशन कर सके। ठीक है, अच्छा, एसिंक्रोनस में फर्दर ये है कि फ्रेमिंग भी हो सकती है, मतलब आप डिफरेंट इंस्टेड ऑफ सेंडिंग ए बाइट यू कैन हैव ए कलेक्शन ऑफ बाइट्स इन व्हिच जिसको फ्रेम कहा जाता है, एंड यू सेंड दैट इंफॉर्मेशन इंस्टेड। ठीक है, सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल बाइट ओरिएंटेड करेक्टर ओरिएंटेड ट्रांसमिशन एंड द फ्रेमिंग। अच्छा, नॉर्मल जो कम्युनिकेशन अभी 80
51 में आप लोग यूज़ करेंगे, और जो सिंपल आपकी पोर्ट पे कम्युनिकेशन होती है एसिंक्रोनस में, ये है कि कंप्यूटर ऑटोमेटिकली इसके साथ एक तो ये मार्क ऐड कर लेता है, फिर स्टार्ट बिट ऐड करता है, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अगर आप कंट्रोलर ले लें या कंप्यूटर ले लें वो इसके साथ ऐड करता है, और एक बाइट एट एनी वन टाइम ट्रांसमिट होता है, ठीक है। सो देयर इज़ ए स्टार्ट बिट जिससे पता चलता है कि मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है डेटा का, एंड देयर इज़ ए स्टॉप बिट, ठीक है। स्टार्ट बिट से पहले जो है मार्क होता है, मार्क इज एक्चुअली ए वन हाई वैल्यू, कंटिन्यूसली आपका लाइन हाई जा रहा होता है और सडनली जो है लो करता है, इसका मतलब है कि डेटा आने वाला है। इसी तरह जब व्हेन द डेटा इज ओवर उसके बाद स्टॉप बिट होता है जो कि हाई होता है, और वो फिर लो हो जाता है, वो ये शो करता है कि जी आपका डेटा खत्म हो गया। सो दिस इज दीज आर द एक्स्ट्रा बिट्स एंड दिस इज योर डेटा फ्रॉम D0 टू D7। ये काम चूंकि कंप्यूटर खुद करता है, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि इस तरह होता है। अच्छा, दूसरा कम्युनिकेशन, आप नॉर्मली जब चीज़ों को चेक करते हैं, कोई भी कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट आते हैं, तो उसमें दो टर्मिनोलॉजीज होती है। एक होती है बिट पर सेकेंड, दैट इज दिस वन BPS, एंड द सेकेंड वन इज बॉड रेट, ठीक है। बिट पर सेकेंड तो आपको पता है कि कितने बिट्स ट्रांसमिट हुए हैं पर सेकेंड। बॉड रेट ऑन द अदर हैंड इज एक्चुअली रेट ऑफ सिग्नल चेंज। अगर आप कंटिन्यूसली वन 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 भिजवा रहे हैं तो ये सिग्नल चेंज नहीं है, तो जिस पॉइंट पे सिग्नल चेंज हो रहा होता है दैट डिटरमिन्स दी बॉड रेट, ठीक है। सो बॉड रेट इज अनदर टर्मिनोलॉजी दैट इज बीइंग यूज्ड। अच्छा, उसके अलावा आपने सीरियल कम्युनिकेशन के लिए पोर्ट्स जो यूज़ होते हैं नॉर्मली, दैट इज़ RS-232 पोर्ट यूज़ होता है सीरियल कम्युनिकेशन के लिए। इसके साथ आपने कंट्रोलर को डायरेक्ट नहीं लगाना, आपका जो ये कंट्रोलर है T51, इसके सीरियल पोर्ट पे TTL लेवल आ रहे हैं जो कि 0 और 5 वोल्ट होते हैं। 0 रिप्रेजेंट डिजिटल 0 वैल्यू एंड 5 वोल्ट रिप्रेजेंट 1। जबकि कंप्यूटर्स वगैरह जो हुए हैं जहाँ पे प्रोसेसर कनेक्ट होते हैं डायरेक्टली, वहाँ पे RS-232 का लॉजिक यूज़ होता है, ठीक है। RS-232 में क्या है कि ए वन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय -3 to -25 वोल्ट एंड ए ज़ीरो इज़ रिप्रेजेंटेड बाय +3 to +25 वोल्ट, ठीक है। ये -3 से +3 के दरमियान जो रेंज है दिस इज़ कंसिडर एज अनडिफाइंड। सो अगर आपका डेटा इस रेंज में आ रहा है इसका मतलब है आपका डेटा लास्ट हुआ है। तो ये याद रखें कि RS-232 इज़ द यूजुअल पोर्ट। आप बाज़ औक़ात अपने कंट्रोलर को डायरेक्टली अगर कंप्यूटर के साथ किसी पोर्ट पे लगाते हैं सीरियल पोर्ट पे, तो उसके जलने के चांसेस इसलिए होते हैं कि आपके कंट्रोलर में जो वन है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 5 वोल्ट, और जो कंप्यूटर है उसमें वन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय -3 to -25। सो एक हाई वोल्टेज डिफरेंस जनरेट हो जाता है विच ड्रा वेरी हाई अमाउंट ऑफ करंट एंड कॉज यूअर पोर्ट टू गेट डैमेज। इज दिस क्लियर? ये बात मोबाइल फोन्स में भी ये चीज़ नो है। सर, रिपीट करें सर। आपने एक चीज़ जहन रखनी है कि बाज़ मोबाइल फ़ोन के सीरियल पोर्ट्स अगर आप चेक कर लें तो वहाँ पे भी RS-232 पोर्ट है। तो ये एक इन पोर्ट्स के नाम होते हैं, ठीक है। बाज़ TTL पोर्ट्स हैं, अगर कोई पोर्ट TTL पोर्ट है इसका मतलब है कि वो उसमें 0 और 1, 0 से 5 वोल्ट के दरमियान चेंज होता है, ठीक है। 5 वोल्ट रिप्रेजेंट 1, 0 रिप्रेजेंट 0। लेकिन अगर आपका पोर्ट कम्युनिकेशन पोर्ट TTL नहीं है और RS-232 है, तो इसका मतलब है कि A1 इज रिप्रेजेंटेड बाय -3 to -25, नेगेटिव लॉजिक है, ठीक है। एंड 0 इज रिप्रेजेंटेड बाय +3 to +25। सो ये चीज़ जहन में रखें कि दोनों डिजिटल डेटा है लेकिन दोनों के जो पोर्ट्स की डिफरेंस है, ये याद रखें कि RS-232 हुआ तो उसकी कन्फिग्रेशन जो है ये होती है, और अगर TTL हुआ तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 0 एंड 5। इज इस क्लियर नाउ? अक्सर मोबाइल यस सर, फोन में ये चीज आती है, ये बहुत आप ख्याल रखें। यस अगर आप सर। मोबाइल फोन को डायरेक्टली इंटरफेस करते कंट्रोलर के साथ तो आपने पोर्ट्स चेक करने हैं, ठीक है। अच्छा, ये पोर्ट्स पहले आते थे कंप्यूटर्स में, अब नहीं आते। ये DB25 पोर्ट हुआ करता था जिसपे जिसके डिफरेंट पिन कन्फिग्रेशन ये है, और दिस इज वॉज ऑल्सो ए सीरीज सीरियल पोर्ट RS-232, ठीक है। ये DB25 कनेक्टर के फॉर्म में भी आता था और DB9 के फॉर्म में भी आता था। अब ये पोर्ट्स आपको पुराने कंप्यूटर्स में नजर आएंगे, नए कंप्यूटर में आपको सारे जो है USB पोर्ट्स ही नजर आते हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने नोटिस किया है? यस सर। सर ये नहीं है, पर प्रोजेक्टर जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसमें होते हैं सर, ये वो पास प्रोजेक्टर का लैपटॉप जो में होते कनेक्टर है हैं। वो VGA पोर्ट
पोर्ट है, बट दैट्स अ डिफरेंट पोर्ट, वो भी सीरियल पोर्ट है लेकिन दैट्स अ डिफरेंट पोर्ट। ये पोर्ट जो थे ये RS-232 थे और इनके हर एक पिन का अपना नाम था और काम था, लेकिन मेन आपके जो पिन थे पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 इस केस में आपके काम के थे, ठीक है। यस सर। इसी तरह इस केस में आपके पास पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 फॉर रिसीविंग डेटा एंड ट्रांसमिशन डेटा के लिए था, ठीक है। ये पुराने कंप्यूटर्स में थे, अभी नए उसमें नहीं आ रहे। अच्छा, फिर इसके अलावा आपने दो नाम सुने होंगे, एक DTE डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट एंड द सेकंड वन इज DCE डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। आपके पहले वाले कंप्यूटर्स में अगर आपको याद हो मोडेम आते थे, ठीक है, मॉड्यूलेशन डी मॉड्यूलेशन डिवाइसेस, तो यस सर, उसके साथ आप PTCL की लाइन कनेक्ट करते थे, सो दैट वाज ए कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ठीक है। DTE आपका सिंपल जो लैन कार्ड है या सिंपल डिजिटल पोर्ट है, दैट इज यूजुअली टर्म्ड एज DTE डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, ठीक है। फिर आपने एक नाम सुना होगा नल मोडेम का। नल मोडेम अगर आप अपने डिवाइस से खुद डेटा लेते हैं और दोबारा खुद ही रिसीव करते हैं, मीन अपने ट्रांसमीटर को उसकी के डिवाइस के रिसीवर के साथ डायरेक्टली शार्ट कर दें, सो इट बिकम ए नल मोडेम, ठीक है। सो ये एक कंसेप्ट उसके लिए था कि मतलब इफ़ यू वांट योर मोडेम टू बी काइंड ऑफ डीएक्टिव, सो दिस इज व्हाट यू डू, यू एक्चुअली कनेक्ट योर ट्रांसमीटर टू योर रिसीवर। So DTE is one of the name you just need to remember, के आपके DTE, DCE बादों का वाइवा वगैरह में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि what is DTE, what is DCE, तो ये जहन में रखें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ पिन के डिफरेंट फंक्शनलिटीज हैं, जैसा डेटा टर्मिनल रेडी, तो अगर आपकी एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन होती है तो उस केस में आपने कम्युनिकेशन जिस जहां से कम्युनिकेशन कर रहे हैं उनसे जो है कम्युनिकेट करना होता है कि आपका डेटा टर्मिनल रेडी है फॉर कम्युनिकेशन आर नॉट। इसके अलावा डेटा सेट रेडी, इसका मतलब है कि इट्स रेडी, सो यू कैन कम्युनिकेट, रेडी टू कम्युनिकेट, रिक्वेस्ट टू सेंड इफ यू हैव टू रिक्वेस्ट टू सेंड द डेटा समवेयर, तो पहले रिक्वेस्ट भिजवाते हैं, क्लियर टू सेंड वहां से आता है दूसरे एंड से कि जी आप डेटा भिजवा सकते हैं, द लाइन इज क्लियर टू सेंड द डेटा। सो ये चार मेन फंक्शनलिटी होती है जो कि नॉर्मल कम्युनिकेशन में यूज होती है। अगेन यू जस्ट नीड टू नो दीज थिंग्स, दे आर नॉट नो लॉन्गर यूज, इसलिए कि आजकल सॉफ्टवेयर में सब कुछ खुद ब खुद हो रहा होता है, यू डोंट हैव टू कॉन्फ़िगर एनीथिंग एनीमोर। इसके अलावा डेटा कैरियर डिटेक्ट, ये यूजुअली डिटेक्ट करता है कि कोई डेटा बाहर से आ रहा था, तो ये सारे मॉडेम पहले कॉन्फ़िगर होते थे, रिंग इंडिकेटर के आपके PTCL लाइन में रिंग है या नहीं है, तो ये इन चीज़ों के लिए पहले ये चीज़ें थी। आजकल तो मेरे ख्याल में लैपटॉप वगैरह में मॉडेम नहीं आ रहे, आप लोग के में किसके लैपटॉप में है मॉडेम अभी कनेक्टिविटी RJ11 कनेक्टर के लिए? हेलो जी, जी सर, नहीं पता सर। आप लोगों ने कभी PTCL लाइन को डायरेक्टली कनेक्ट तो नहीं किया अपने लैपटॉप के साथ? सर मेरी मेरे वर्कस्पेस के साथ है, वर्क स्टेशन के साथ। अच्छा सर, कनेक्ट नहीं किया पर जगह है सर PTCL के लिए। ठीक है, ठीक है। वो उस मॉडेम में ये चीजें होती थी, वो रिंग भी डिटेक्ट करता था कि बाहर से कनेक्शन आ जाए। बाद अवकात हमारे पास अगर जब टेलीफोन सेट नहीं हुआ करता था तो हम कंप्यूटर से भी लाइन डायल करके आराम से जो है फोन मिला लेते, फोन रिसीव करते थे, सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन। ठीक है, आजकल लैपटॉप में मॉडेम ही नहीं आ रहे, सो यू कुछ वेरी रेयर स्पीशीज में अभी भी है, बट दीज लाइक अच्छा वर्क स्टेशन। अच्छा अच्छा अच्छा, so you can still connect the PTCL line and you can go to the communication accessories mein, communication mein jaake you can have a dial pad and you can dial anyone number. Uska computer ke zariye dialing ka advantage ye hota hai ki you can actually record your call on the computer, so that's amazing, do try that. theek hai, theek hai sir ji। अच्छा, ये जो हम कंट्रोलर पढ़ रहे हैं इसमें जो है RS-232 पोर्ट नहीं है, इसमें TTL है, लेकिन नॉर्मल जितने भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं ज़्यादातर उसमें RS-232 ये होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फिर एक एक्स्ट्रा डिवाइस लगानी होती है MAX-232। ये चिप क्या करता है, ये RS-232 को TTL में कन्वर्ट करता है और TTL को RS-232 में कन्वर्ट करता है, सो दिस इज एक्चुअली ए वोल्टेज लेवल कन्वर्टर, दिस इज द IC, ये इसके कनेक्शन है, ठीक है, ये ट्रांसमिट इन ट्रांसमिट आउट, ठीक है, इसी तरह रिसीव इन यहाँ से रिसीव आउट, सो इस साइड पे TTL है, इस साइड पे RS-232 है, सो यू कैन कन्वर्ट TTL इनटू RS-232, यू कैन कन्वर्ट RS-232 टू
TTL. So it's both way device and this is how it's usually connected. अगर आपने किसी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना हो या मोबाइल के साथ कनेक्ट करते हैं कोई किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस जिसमें पोर्ट RS232 हो तो फिर उसकी कनेक्टिविटी ये डायग्राम है. ठीक है, ये दो कैपेसिटर लगे हुए हैं एक्चुअली. दिस इज ऑल्सो कैपेसिटर, दिस इज ऑल्सो कैपेसिटर एंड दीज आर द रिमेनिंग कनेक्शंस. ठीक है, इन टोटल दिस इज देयर आर लाइक 16 पिंस. पिन नंबर 16 के साथ आप VCC लगाते हैं एंड देन दीज आर दिस इज द ग्राउंड वन. ठीक है, इज दिस क्लियर? बिकॉज ये आप लोग जो भी अगर कोई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करते हैं या कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं एक्सटर्नल डिवाइसेस के साथ जब कनेक्ट करना हो आपने कंट्रोलर को यू माइट नीड दिस आईसी. दिस इज अ प्रीटी कॉमन आईसी जो कि आपके वोल्टेज लेवल्स को इंटर कन्वर्ट करता है TTL से RS232 में और RS232 से TTL में. जी, इज इट क्लियर? यस सर. गुड. अच्छा, इसके अलावा देयर इज अनदर आईसी कॉल्ड मैक्स 232 में और 33 में सिर्फ डिफरेंस ये है कि इसमें आपने नोट किया इसमें कैपेसिटर नहीं लगाने पड़ते. यू जस्ट हैव टू शॉर्ट दीज लाइंस. ठीक है, 232 में आपको एक्स्ट्रा कैपेसिटर लगाने पड़ रहे थे. तो मेरे ख्याल में दिस वाज एक्सपेंसिव अर्लियर ऑन, लेकिन आजकल 233 और 232 आपको सेम प्राइस पे मिल रहे हैं. सो दिस बेस्ट कि आप 233 यूज कर लें. दोनों का काम एक ही है, वही TTL से RS232 में और RS232 से TTL में कन्वर्जन है. सिर्फ यह है कि मैक्स 233 में आपको कैपेसिटर लगाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, ठीक है सर जी. गुड. अच्छा, दूसरा जो कंट्रोलर हम पढ़ रहे हैं ये किस स्पीड पे काम करते हैं. सो देयर इज 110, 150, 300 बिट पर सेकंड, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 एंड 19200. सो दीज आर द डिफरेंट स्पीड्स जिस पे ये काम करते हैं. हाउ आर वी गोइंग टू कॉन्फ़िगर दैट? उसके लिए ये टेबल है. ये टेबल आपके बुक में है बाय द वे. इट्स आई थिंक 10.6 टेबल है कि 11.6 टेबल है. ठीक है, उसमें ये मेंशन है कि अगर आपने TH1 में ये वैल्यू डाल दी तो यूर स्पीड विल बी दिस. अगर TH1 में ये वैल्यू डाल दी दिस विल बी योर स्पीड. अगर ये वैल्यू डाल दी दिस इज गोइंग टू बी योर स्पीड. अगर ये वैल्यू डाल दी दिस इज गोइंग टू बी योर स्पीड. सो आपने TH1 में वैल्यू डालनी है और उससे इसकी स्पीड कंट्रोल होनी है. ठीक है, होता क्या है कि जो आपकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, लेट्स से 12 मेगाहर्ट्ज़ है, वो 12 पे डिवाइड होती है, फर्दर वो 32 पे डिवाइड होती है बिफोर इट रीच यू वॉट. ठीक है, सो दिस इज द मैक्सिमम स्पीड दैट यू कैन अचीव. फिर आप TH में जो वैल्यू डालते हैं, अगर लेट्स से -1 डालते हैं तो नेचुरली वो 19200 पे स्पीड चली जाती है. ठीक है, सो योर स्पीड कैन वेरी फ्रॉम दिस वैल्यू टू एनी ऑफ दीज वैल्यूज. तो आप TH1 में वैल्यू डालेंगे तो उसे उसकी फ्रीक्वेंसी उसकी जो है स्पीड जो है चेंज होगी. ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है विद दिस बीइंग द स्पीड. फाइंड द वैल्यू ऑफ TH1 फॉर दिस स्पीड एंड दिस स्पीड. ठीक है, सो फर्स्ट केस में इन्होंने -3 डाल दिया, दे गेट दिस स्पीड बिकॉज इट्स बीन डिवाइडेड बाय 3. सेकेंड केस में 12 डाल दिया, सो द एक्चुअल स्पीड इज डिवाइडेड बाय दिस नंबर एंड यू गेट द स्पीड. सो आइडिया हो रहा है ना आपको कि मतलब आपको जो स्पीड चाहिए वो वैल्यू आप TH1 में डालेंगे. ठीक है, अगर यहाँ पे हम 1 डालते हैं तो नेचुरली आपको ये स्पीड मिलती है. उसमें 2 डालते हैं तो 28,800 बाय 2 आपके पास स्पीड आ जाएगी. इज इट क्लियर? यस सर. गुड. अच्छा, अब नेक्स्ट क्या चीज है, आपने कोई भी डेटा भिजवाना हो तो क्या करना है, आपने एक रजिस्टर में डालना है जिसको कहते हैं SBUF. अच्छा, एक और चीज जहन में नशीन कर लें कि जो 8051 कंट्रोलर हम पढ़ रहे हैं इसमें सीरियल कम्युनिकेशन जो होती है वो होती है हाफ डुप्लेक्स. सो हाफ डुप्लेक्स में क्या था, हाफ डुप्लेक्स का मतलब ये था कि एट एनी वन टाइम या तो आप ट्रांसमिट कर सकते हैं या आप रिसीव कर सकते हैं. यू कैन नॉट ट्रांसमिट एंड रिसीव एट द सेम टाइम. ठीक है, उसकी वजह क्या है, ये एक ही रजिस्टर है SBUF. बाहर से डेटा आता है तो भी SBUF में आता है, अगर कुछ बाहर भिजवाना हो तो वो भी SBUF में जाता है. ठीक है, SBUF इसका नाम है, सीरियल बफर. ये 8-bit रजिस्टर है, जिस तरह रजिस्टर ए बी या कोई भी आर नॉट इस तरह के जो रजिस्टर्स हैं उसी तरह के नॉर्मल रजिस्टर है. आपने कोई भी चीज भिजवानी हो तो उसको आप डायरेक्टली SBUF में कॉपी कर ले. अगर एक्यूमुलेटर का डेटा डालना हो या कोई चीज रिसीव करनी हो तो SBUF से दूसरे रजिस्टर में कॉपी कर सकते हैं. ये याद रहेगा आपको? यस सर. जी, अच्छा,
नेक्स्ट इज एस्कान रजिस्टर। एस्कान रजिस्टर इज एक्चुअली सीरियल कंट्रोल रजिस्टर, ठीक है। इसमें डिफरेंट मोड्स भी हैं, लेकिन हमारा ज्यादातर काम इसके किसी मोड के साथ नहीं, वी डोंट गो टू सीरियल कम्युनिकेशन, खुद एक पूरा कोर्स है एज सच, ठीक है ना, इसलिए कि इसकी काफी डिफरेंट डायमेंशंस हैं जिसमें हम देख सकते हैं इसको। लेकिन हम यहाँ पे सिंपल सीरियल कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, जिसमें हम सिंपल 8-bit डेटा इस बफ में डालेंगे और दूसरे इन पे भिजवा देंगे, दूसरे कंट्रोलर के जरिए उसको रिसीव करेंगे और वहां पे डिस्प्ले करेंगे। तो सिंपल 8-bit डेटा मोड जो है हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक आपके जो मोड रजिस्टर्स हैं जिससे हम मोड स्पेसिफाई करते हैं, दूसरा इसमें पिन है TI। अगर आपने कुछ डेटा ट्रांसमिट करना हो तो आपने इस बिट को इनेबल करना है, ठीक है। आपने डेटा रिसीव करना हो तो आपने RI इसको चेक करना है। ये इस तरह है कि आप नॉर्मली 8-bit डेटा भिजवाते हो, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर आपने डेटा ट्रांसमिट करना है तो आप टाइमर स्टार्ट कर लेते हो एंड देन यू कीप ऑन चेकिंग द TI बिट। जो ही 8-bit डेटा ट्रांसफर हो जाता है तो आपका TI बिट इनेबल हो जाता है। इसी तरह आपने डेटा रिसीव करना है तो आप दोबारा टाइमर्स को स्टार्ट करते हैं। एक चीज और ध्यान में रखें, टाइमर 1 इन मोड 2 मीन 8-bit ऑटो रिलोड मोड में सीरियल कम्युनिकेशन में काम करता है, टाइमर 0 नहीं यूज होता। ये चीज ज़हन में नशीन कर लें और ये याद रखें, ठीक है ना। टाइमर 1 इन मोड 2, इसका मतलब है कि टी मोड रजिस्टर में वैल्यू जाएगी 20 हमेशा, ठीक है। सब उसमें 20 वैल्यू जाएगी और जितना भी आपने स्पीड लगानी है उस स्पीड के लिए आप वैल्यू डालेंगे TH1 में, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की। आप TH1 में वो वैल्यू डालेंगे, उससे स्पीड का पता चलेगा, ठीक है। आपने जो डेटा भिजवाना है उसको इस बफ में डाल दें, फिर उसके बाद टाइमर स्टार्ट कर लें। जो ही आप टाइमर स्टार्ट करेंगे वो एक एक बिट भिजवाएगा। उसके बाद आपने किस को चेक करना है, अगर ट्रांसमिट करना है तो TI को चेक करना है, अगर रिसीव करना है तो RI को चेक करेंगे। अच्छा, ये आपको कैसे पता चलेगा कि इस वक्त आपका कंट्रोलर ट्रांसमिट कर रहा है या रिसीव कर रहा है? तो उसके लिए ये पिन है REN, इसको आप सेट करते हैं तो इसका मतलब है कि ये रिसीव करेगा, रिसीव इनेबल। अगर इसको आप क्लियर करते हैं इसका मतलब है कि ये ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। सो REN इज द इंपॉर्टेंट पिन, ये बाकी पिन एज सच यूज नहीं होती। अच्छा, दीज आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन, लेकिन हम सिर्फ इसमें ये 01 ये वाला मोड यूज करते हैं, सीरियल मोड 1, ठीक है, जिसमें सिंपल 8-bit डेटा ट्रांसमिट या रिसीव होता है, ठीक है। अच्छा, ये तीन पिन आपने याद रखने हैं, रिसीव इनेबल, TI और ट्रांसमिट इंटरप्ट और रिसीव इंटरप्ट, ये जहन में रखने हैं, ठीक है। तो अगर आपने डेटा रिसीव करना है तो इसको इनेबल करना है सेट बिट के कमांड के साथ, अगर आपने ट्रांसमिट करना है तो इसको क्लियर करना है, क्लियर REN लिखेंगे तो उससे क्लियर हो जाता है, इसका मतलब है कि आप ट्रांसमिशन कर रहे हैं। इसी तरह जब आप ट्रांसमिशन स्टार्ट कर ले, जब आप टाइमर स्टार्ट करते हैं तो एक एक बिट डेटा जो है ट्रांसमिट होना शुरू हो जाता है, देन यू हैव टू कीप ऑन चेकिंग दिस पर्टिकुलर पिन TI, ठीक है। और वंस यू आर डन विद द ट्रांसमिशन then you can send another byte, then you can send another byte one at a time. इसी तरह अगर आपने डेटा रिसीव करना है किसी दूसरे एंड से, ठीक है, तो आप टाइमर स्टार्ट कर लेंगे, REN को इनेबल करेंगे और फिर कंटिन्यूसली इस RI पिन को चेक करेंगे। जो ही ये बिट वन हो जाए इसका मतलब है डेटा रिसीव हो गया, वो डेटा आप इस बफ रजिस्टर में अवेलेबल होगा, उसको आप किसी भी दूसरे रजिस्टर में कॉपी कर सकते हैं, किसी पोर्ट पे कॉपी कर सकते हैं और वहां पे आपको ये यू कैन यूज इट आफ्टर दैट। अच्छा, नॉर्मली लेट्स से अगर आपने एक करेक्टर भिजवाना है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, ये एक सिंपल प्रोसीजर है जो कि आपने प्रोग्राम में फॉलो करना है। सबसे पहले टी मोड रजिस्टर में 20 वैल्यू डालनी है, विच मीन्स टाइमर 1 इन मोड 2 इज गोइंग टू बी यूज, ठीक है। सेकेंड TH1 में आपने वैल्यू डालनी है, उससे पता चलेगा कि आप किस स्पीड पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड, आपने SCON रजिस्टर में हमेशा 50 वैल्यू डालनी है, इसका मतलब है कि यू आर वर्किंग इन सीरियल मोड 1, तो ये हमेशा कांस्टेंट होगा। SCON में आपने हमेशा 50H की वैल्यू डालनी, ठीक है। ये तीनों स्टेप शुरू के स्टेप्स हैं,
टी मोड रजिस्टर में 20H वैल्यू डालनी है, TH1 में आपने वैल्यू डालनी है, उससे पता चलेगा कि किस स्पीड पे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। फिर एसकान रजिस्टर में आपने 50H डालना है, इसका मतलब है कि आपने सीरियल मोड 1 पे अपने सीरियल पोर्ट को जो है कन्फिगर कर दिया। इसके बाद आपने कोई डेटा ट्रांसमिट करना है लेट से, ठीक है, तो वो डेटा आप क्या करेंगे, सबसे पहले एस बफ रजिस्टर में डाल देंगे। वो ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ये बाय डिफॉल्ट ये चीज आपने करनी है, को कोई भी चीज डेटा आपने भिजवाना है बिफोर यू डू एनी ऑफ दी स्टेप्स, उसको आप पहले एस बफ में कॉपी करेंगे। जिस तरह आप नॉर्मली पोर्ट पे कोई चीज कॉपी करते हैं, मूव ए कामा पी वन आर पी पी वन कामा ए, इसी तरह आप लिखेंगे मूव एस बफ कामा ए, सो एक्यूमुलेटर से वैल्यू एस बफ में आ जाएगी। उसके बाद के ये स्टेप्स हैं, उसके बाद आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है, फिर उसके बाद आपने टाइमर स्टार्ट करना है। जो ही आप टाइमर स्टार्ट करते हैं तो आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है, आपका डेटा जो है सेंड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आपने कंटिन्यूसली टी आई को चेक करना है, ठीक है। टी आई ये चेक करता है कि आपका डेटा ट्रांसमिट हो गया या नहीं। जो ही आपका डेटा ट्रांसमिट हो जाए, अच्छा एक यहाँ पे इन्होंने एक एक्स्ट्रा स्टेप ये लिखा हुआ है कि टी आर इज सेट टू 1 टू स्टार्ट द टाइमर। ये बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट, यूजुअली सबसे पहले इसको बाद अवकात क्लियर करते हैं, बट यू कैन स्टार्ट द टाइमर एंड देन यू क्लियर टी आई टू अवॉइड के अगर कोई प्रीवियस ट्रांसमिशन हो, ठीक है। एस बब का इन्होंने बाद में लिखा हुआ है, नॉर्मली ये आप पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो वंस द टाइमर इज स्टार्टेड, उसके बाद आपका स्टेप नंबर 7 स्टार्ट हो जाता है। द टी आई फ्लैग बिट इज मॉनिटर्ड, इससे जंप नॉट बिट टी आई से चेक करते हैं। जब तक ये वन नहीं होता उस वक्त तक इट विल कीप ऑन चेकिंग। द मोमेंट इट्स डन दैट मीन्स यू आर डन, द डेटा इज ट्रांसफर्ड, सो यू हैव टू गो बैक टू स्टेप नंबर 5 एंड रिपीट द प्रोसेस। आपने दोबारा इसको क्लियर करना है एंड देन यू हैव टू रिपीट द होल प्रोसेस अगेन, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक और चीज जहन में रखनी है, यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि ट्रांसफर द नेक्स्ट बाइट गो टू स्टेप नंबर 5। आई वोंट रिकमेंड दैट, आई वुड रिकमेंड एड वन एक्स्ट्रा स्टेप। जो ही ये ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाए आपने क्या करना है, टी आर वन को क्लियर करना है एंड यू गो बैक टू स्टेप नंबर 4, ताकि वो सेम बाइट दोबारा ट्रांसफर ना हो जाए, ठीक है। बट दीज आर द स्टेप्स एक्चुअली रिटन इन द बुक, सो आई हैव जस्ट कॉपी पेस्टेड देम एज इट इज, ठीक है। सर इट्स क्लियर जी, प्लीज। स्टेप नंबर 6 चाहिए तो आपने पहले करना है कि वो एस बफ रजिस्टर में। हाँ जनरली बिफोर यू स्टार्ट द टाइमर, ठीक है, बल्कि इनफैक्ट मैं आपके सामने ये शफल कर देता हूँ। एक्चुअली आपने यू हैव टू डू दिस बिफोर एंड यू हैव टू ऑल्सो डू दिस बिफोर दिस, ठीक है। टाइमर आपने उसके बाद स्टार्ट करना है, ठीक है। और दूसरा जो ही ये कंप्लीट हो जाए, सो यहां पे आप इफ यू कैन क्लियर टी आर वन एज वन, ठीक है। सो ये एक एक्स्ट्रा स्टेप जो है ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। Let me just slightly shift it up. Is this clear? So in this case, we will be kind of going back to step number 4. Step number 4 में क्या होगा? वो दूसरा byte transfer वो उसमें copy कर देगा SBUF में, TI को clear करेगा, mean previous transmission वो हो जाएगी। You can in fact do the clear TI before SBUF, just to avoid unnecessary ट्रांसमिशन, ठीक है जी। हेलो, यस सर, ठीक है, ठीक है, ओके। सो लेट्स मूव ऑन द प्रोग्राम। अब ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, राइट डाउन ए प्रोग्राम टू ट्रांसफर करेक्टर ए सीरियली एट 4800 बॉड रेट, ठीक है। तो इसमें क्या है, टी मोड में 20 डाल दिया, -6 TH1 में डाल दिया फॉर 4800 बॉड रेट, एस कान में 50H डाल दिया, ठीक है, एंड देन वी स्टार्ट द टाइमर, ठीक है। ये जो है उन स्टेप्स के मुताबिक इन्होंने वो किया हुआ है। लेटर ए को एस बफ में डाल दिया, वी वेट फॉर इट टू फिनिश, वंस इज डन वी क्लियर टी आई एंड देन वी रिपीट द प्रोसेस, ठीक है। ये लोग एक चीज कर रहे हैं कि ये टाइमर को ऑफ नहीं कर रहे हैं,
ये आप वहाँ पे प्रैक्टिकली चेक कर लें कि इसका इम्पैक्ट है या नहीं है। आई वुड सजेस्ट कि क्लियर T1 के बाद दोबारा जो है TR1 को भी क्लियर किया जाए एंड देन रिपीट द प्रोसेस। ठीक है, सर ये टीमोड में 20H क्यों डाले हैं? ये टाइमर 1 को मोड 2 में कॉन्फ़िगर करने के लिए, ताकि ये हर बार जब डेटा भिजवाए ना तो ये टाइमर में ये वैल्यू लोड करे खुद ब खुद, ताकि उस एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डिले जनरेट हो जाए 2 बिट्स के दरमियान। सर ये ठीक, माइनस एस को अगर प्लस की फॉर्म में लिखे तो ये 256 से माइनस करके फिर हेक्साडेसिमल में लिखे। ये अगर -6 की जगह पे आप +6 लिखेंगे तो इससे फिर डिफरेंट डिले जनरेट हो जाएगा, आपका बॉड रेट कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा, इसलिए कि आपका डिले ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, अब तो ये अप काउंट करता है ना, तो ये -6 है, -5, -4, -3, -2, -1 और 0, जो ही 0 होगा तो आपका टाइम खत्म हो जाएगा और दोबारा जो है शुरू से स्टार्ट करेगा। ठीक है, ठीक है सर, एनी अदर क्वेश्चन बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप? दो, नो ओके। सर। नाउ दिस इज अनदर प्रोग्राम, इट सेज राइट डाउन ए प्रोग्राम फॉर AT51 टू ट्रांसफर YES यस सीरियली एट दिस रेट। ठीक है, और ये साथ में कह रहा है कि एक स्टॉप बिट भी इसके साथ एड कर ले। ठीक है, सो नो हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस? ये चीज एक और जहन में रखें कि ये प्रोग्राम आप लोगों ने एक्चुअली प्रोटीएस में इम्प्लीमेंट करना होगा। एक कंट्रोलर में आप ट्रांसमिट का प्रोग्राम लिखेंगे, दूसरे कंट्रोलर में आप रिसीव का प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है, और आज हम LCD भी पढ़ेंगे, तो एक कंट्रोलर यस भिजवाएगा, दूसरा उसको रिसीव करके डिस्प्ले पे डिस्प्ले करेगा। ये आप लोगों का असाइनमेंट है, यू हैव टू सबमिट इट इन 2 वीक्स टाइम एक्चुअली, ये चीज जहन में रखें। ठीक है, सो इट्स ठीक है रिकॉर्डेड, सर। यू गाइज विल रिमेम्बर दिस। अच्छा, इस केस में क्या करना है, हमने 3 करेक्टर भिजवाने हैं YE और S को। ठीक है, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन वही है, टी मोड में 20H। अच्छा, बॉड रेट क्या है, 9600, उसके लिए -3 इसमें डालना होता है। ठीक है, अब देखें प्रीवियस में 4800 था, उसमें -6 डाला हुआ है। ठीक है ना, वही वो टोटल वैल्यू को 6 पे डिवाइड कर लें, ये टोटल वैल्यू यस को 3 पे डिवाइड कर लें, आपके पास ये बॉड रेट आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मूव SCON50H, ये भी हमेशा काम कॉमन रहेगा। ठीक है, फिर टाइमर स्टार्ट कर लिया, सबसे पहले वाई को एक्युमुलेटर में डाल दिया। ठीक है, एंड देन इस तरह किया इस केस में इन्होंने कि एक ट्रांसमिट का एक इंडिपेंडेंट फंक्शन लिख दिया, तो जो भी चीज ट्रांसमिट करनी हो तो एक कॉल ट्रांस लिख देते हैं तो वो ट्रांसमिट कर देता है। ठीक है, सो वाई को ए में डाल दिया, एक कॉल ट्रांसमिट। ठीक है, जब ए कॉल करते हैं तो ये ट्रांसमिट में आ जाता है, ये एस बफ में वैल्यू डालता है, फिर TI को चेक करता है, जो ही ट्रांसमिट खत्म हो जाती है ये TI को क्लियर करके रिटर्न करके मेन प्रोग्राम में आता है। हम दोबारा फिर नेक्स्ट करेक्टर इसमें डालते हैं। ठीक है, फिर दोबारा इसको कॉल करते हैं तो नेक्स्ट करेक्टर ये भिजवा देता है, फिर नेक्स्ट करेक्टर ए में डालते हैं, फिर कॉल करते हैं। अगर आपने अपना नाम भिजवाना हो तो क्या करेंगे, इसमें एक्स्ट्रा लाइंस ऐड करेंगे ना नीचे। ठीक है, यस सर। एंड देन यू हैव एस जंप अगेन, दैट मींस यू रिपीट द प्रोसेस, कीप ऑन सेंडिंग यस। सो इसकी जगह पे आप पाकिस्तान भी भिजवा सकते हैं, यू जस्ट हैव टू ऐड मोर लाइंस। ठीक है ना, यस सर, यस सर, इज दिस क्लियर इनफ? यस यस सर, सर, इजी है ना ट्रांसमिटिंग यस सीरियली? यस सर। गुड, ओके। इसमें ये सब रूटीन इज गुड, इसलिए कि अगर आपने कुछ भी भिजवाना हो तो यू जस्ट कीप ऑन एडिंग दैट वैल्यू टू एक्युमुलेटर एंड यू से ए कॉल ट्रांस एंड यू कीप ऑन डूइंग दैट। अच्छा, नेक्स्ट इज स्टेप्स फॉर ट्रांसमिटिंग ए करेक्टर, वी दिस इज द सेम थिंग, इट्स जस्ट काइंड ऑफ रिटन इन द इंग्लिश स्टेप वाइज। ठीक है ना, ये अभी हमने जो डिस्कस किया। ठीक है ना, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले हम करेक्टर राइट को इस बफ में डालते हैं। ठीक है, स्टार्ट बिट एंड देन 8 बिट करेक्टर, 1 बिट एट ए टाइम ये ट्रांसफर करता है। ठीक है, जब सारे 8 के 8 बिट ट्रांसफर हो जाए तो TI फ्लैग आपका इनेबल हो जाता है, उससे हमें पता चलता है कि ट्रांसमिट कंप्लीट हो गया, एंड देन वी रिपीट द होल प्रोसेस। सो वंस
TI flag enable हो गया, you have to clear it ताकि दोबारा उसको use कर सके, ठीक है ना? TI is a transmit interrupt, इसका मतलब है कि 8 के 8 bit आपके transmit हो गए। अच्छा, अब अगर हमने एक 1 byte of data receive करना हो तो उसके क्या steps है? Transmit में तो easy है, हमने वो configuration कर ली, फिर accumulator में value डाल दी, accumulator से उसको SBUF में डाल दिया, timer start कर लिया, and then we keep on checking कि जी transmit हो गया या नहीं, ठीक है? रिसीव में क्या होगा? रिसीव में भी एग्जैक्टली सेम स्टेप्स है, इसमें दो स्टेप्स एक्स्ट्रा है। एक सबसे पहले टी मोड में हमने 20H डाल दिया, विच इज सेम। TH1 में वैल्यू डाल दी, उससे स्पीड आ गया, वो भी सेम है। SCAN में 50H डाल दिया, वो भी सेम है, ठीक है? टाइमर स्टार्ट करना है, वो भी सेम है, लेकिन इस केस में टाइमर आपने पहले स्टार्ट करना है, SBUF में वैल्यू नहीं डालनी, आपने रिसीव इंटरप्ट को क्लियर करना है, फिर उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है, ठीक है? जब आपका डेटा रिसीव हो जाए तो आपका रिसीव इंटरप्ट इनेबल हो जाएगा, ठीक है? जो ही रिसीव इंटरप्ट इनेबल हो जाता है, इसका मतलब है कि आपकी बाहर से जो वैल्यू आ रही है वो SBUF रजिस्टर में आ गई, और वहां से आप इजीली किसी दूसरे रजिस्टर में उसको कॉपी कर सकते हैं, एंड देन यू रिपीट द प्रोसेस। अच्छा, ट्रांसमिट और रिसीव में इसका मतलब है फंडामेंटली क्या डिफरेंस है? ट्रांसमिट में आप वैल्यू SBUF में डालते हैं, फिर टाइमर स्टार्ट करते हैं, और फिर TI को चेक करते हैं कि ट्रांसमिट हो गया या नहीं। रिसीव में आप क्या करते हैं? आप RI को क्लियर करते हैं, रिसीव इंटरप्ट को, फिर टाइमर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? फिर रिसीव इंटरप्ट को कंटिन्यूसली चेक करते हैं कि जी डेटा रिसीव हो गया या नहीं। जो ही रिसीव इंटरप्ट इनेबल हो जाता है, इसका मतलब है डेटा रिसीव हो गया, डेटा आपके पास SBUF में है, वहां से आप ट्रांसफर करके किसी भी जगह पे कॉपी कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। तो दोनों में फंडामेंटली यही डिफरेंस है कि वहां पे TI फ्लैग है जो कि ट्रांसमिशन को चेक करता है, यहाँ पे RI फ्लैग है जो कि रिसीविंग को चेक करता है। दूसरा, वहां पे जो कुछ भिजवाना हो तो उसको पहले से SBUF में डालना होता है, ठीक है? और फिर ट्रांसमिशन स्टार्ट करनी होती है। यहाँ पे क्या है, जब आप रिसीविंग हो जाए तो उसके बाद आपके पास SBUF रजिस्टर में वैल्यू आती है, एंड यू कैन ट्रांसफर इट एनीवेयर। इज इट क्लियर? यस सर। सर, अगर स्पीड हमने चेंज कर दी, रिसीवर और ट्रांसमिशन में डिफरेंस है, एक की दूसरी है, रिसीवर की डिफरेंट है, तो ये काम नहीं करेगा। तो आपने दोनों को पहले से जो है अंडरस्टैंडिंग करनी होगी कि दोनों का स्पीड सेम हो। सही है सर, ठीक है। अच्छा, अब एक छोटे से प्रोग्राम पे जाते हैं। राइट डाउन ए प्रोग्राम टू रिसीव ए बाइट ऑफ डेटा सीरियली, ठीक है? ये देखें उसी तरह 4800 वाला एग्जैक्टली, वो जो हमने थोड़ी देर पहले प्रोग्राम ये पढ़ा था ना, ये एग्जैक्टली इसी का अपोजिट है, ठीक है? देखें इसमें क्या है, वही 20H वैल्यू डाल दी, मैंने 6 डाल दिया, 50 डाल दिया। टाइमर स्टार्ट करने के बाद हम RI को चेक करते हैं, ठीक है? जो ही डेटा रिसीव हो गया वो SBUF में होगा, उसको एक्युमुलेटर में कॉपी करते हैं, ठीक है? वहां से किसी पोर्ट पे भिजवा सकते हैं या किसी रजिस्टर में कॉपी कर सकते हैं। यू क्लियर RI एंड यू रिपीट द प्रोसेस। तो इस तरह आप जितने बाइट आपने डेटा रिसीव करना हो, कहीं पे स्टोर करना हो, यू कैन डू दैट। सिंपल है ना? यस सर, यस सर। अच्छा, ये सी लैंग्वेज का में अगर ये प्रोग्राम लिखना हो तो किस तरह लिखेंगे? देखें इन्हीं लाइंस को हम सी लैंग्वेज में अभी कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है? राइट डाउन ए सी language program to receive byte of data. तो ये शुरू में include, void, main, line, वो तो नेचुरल चीजें लिखनी पड़ती है। अगर आपने करेक्टर को यूज करना है तो वो डिफाइन कर दिया, फिर टी मोड में वैल्यू डाल दी 20, TH में वैल्यू डाल दी FA. FA is equivalent to -6 actually. ठीक है, -6 को आप हेक्स में कन्वर्ट कर देंगे, यू विल गेट FA, ठीक है? अच्छा, SCAN में 50H डालना था तो वो 0x50, दैट इज एक्चुअली 0x रिप्रेजेंट हेक्साडेसिमल, ठीक है? फिर हमने क्या किया था, सेट बिट TR1, तो TR1 इक्वल टू 1, ठीक है? फिर हमारे पास इनफाइनाइट लूप है जो कि हियर एस जंप हियर, दैट इज इक्वलन टू वाइल 1, ठीक है? जो जो चीजें आपने रिपीट करनी है उनको ब्रैकेट्स के दरमियान डाल दें, ठीक है? फिर हम क्या कर रहे हैं, वी जंप नॉट बिट RI हियर, जब तक ये जीरो हो इट विल स्टे इन दिस लूप, ठीक है? तो यहां पे किस तरह है इसका इक्विवेलेंट, व्हाइल RI इज इक्वल टू 0 इट विल स्टे हियर। जो ही RI की वैल्यू 1 हो जाता है, इसकी वैल्यू ये व्हाइल लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है? इसका मतलब है कि बाइट रिसीव हो गया, उस बाइट को आप माई बाइट में कॉपी कर लें, ठीक है? एंड देन यू कैन ट्रांसफर इट टू P1, एंड उसके बाद RI को 0 कर दिया, एंड यू कैन रिपीट द प्रोसेस। एग्जैक्टली जो स्टेप्स हमने यहां पे किए हैं वे आर रिपीट।
इज दिस क्लियर? यस सर, तो इस तरह आप इन तमाम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स को जो है सी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द लास्ट वीक लेक्चर। सो बिफोर वी कंटिन्यू, इज देयर एनी क्वेश्चन? हेलो, ये सर क्वेश्चन कोई नहीं है सर। सर जी, ये सी लैंग्वेज में जो प्रोग्राम होता है कि ये स्पेस ज्यादा लेता है ना असेंबली लैंग्वेज? जी, असेंबली लैंग्वेज से ये स्पेस ज्यादा लेता है। तो सर जी, हमारा माइक्रो कंट्रोलर तो कितना, 64 बाइट? आपका माइक्रो कंट्रोलर आराम से जो है बर्दाश्त कर लेगा, बेगम रहे, उसमें 4 किलोबाइट की मेमोरी है, ठीक है। और ये प्रोग्राम मैक्सिमम जो है आपका 100 बाइट ले लेगा, ठीक है। यस सर, ओके, अच्छा, चले चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे, लेक्चर नंबर 5, ठीक है, एलसीडी एंड कीपैड इंटरफेसिंग। अच्छा, माइक्रो कंट्रोलर्स का फंडामेंटल काम क्या था? फंडामेंटल काम ये है कि टू कन्वर्ट द मैनुअल प्रोसेसेस इनटू ऑटोमेटेड वन, ठीक है। सो कोई भी मैनुअल प्रोसेस को आपने जब ऑटोमेटेड में कन्वर्ट करना हो, सबसे पहले उसको अंडरस्टैंड करना होता है कि ये मैनुअली किस तरह काम करते हैं, ओनली देन यू कैन गो टुवर्ड द ऑटोमेशन ऑफ इट, ठीक है। फिर जो एक्टिविटी हो रही होती है उसके लिए अगर आप ऑन साइट एलसीडी लगा दे, कीपैड लगा दे, तो यू कैन इंटरेक्ट विद द कंट्रोलर, ठीक है ना। ये जो आप लोग जाते हैं एटीएम मशीन में और वहां पे वो कीज वगैरह प्रेस करते हैं, वो कीपैड ही होता है, ठीक है। और जो आपको नजर आ रहा होता है वो एलसीडी ही है, ठीक है ना। तो ये जो आप ये टॉपिक पढ़ेंगे, ये एक्चुअली वही इंटरफेसिंग है जो आपके एटीएम मशीन में है या आपकी मोबाइल फोन में है, स्मार्टफोन में, इन सब में जो है कीपैड और एलसीडी दोनों चीजें, ठीक है ना। तो इनका प्रोसेस एग्जैक्टली सेम है। अच्छा, एलसीडी और एलईडी ये दोनों मैट्रिक्स के फॉर्म में ही आते हैं, ठीक है ना। लेकिन एलसीडी यूजुअली आपका ASCII करेक्टर रिसीव करके उस करिस्पॉन्डिंग जगह पे लोकेट करती है। एलईडी में फिर मैट्रिक्स में डॉट वाइज आपने जो है उसके लिए कोड्स बनाने होते हैं, एंड देन व्हेन यू काइंड ऑफ यूज दोस कोड दैट विल डिमॉन्स्ट्रेट इट शोज डिफरेंट एंटिटीज ऑन द डिस्प्ले, ठीक है ना। एलईडीज और एलसीडीज जो बड़े बड़े आप घरों में टीवी के फॉर्म में देखते हैं, दैट्स द फंडामेंटल डिफरेंस। अच्छा, जो एलसीडी जो हम पढ़ रहे हैं ये आपको मार्केट से मिलेगा, द मार्केट से जो आपको एलसीडी मिलती है वो 16 पिन की होती है, इसमें 2 पिन चूंकि उसमें एलईडीज लगी हुई हैं उनके लिए होती हैं, बाकी 14 के 14 पिन आप प्रोटियस में जो एलसीडी को वो करेंगे ड्रैग करेंगे तो उसमें भी 14 पिन होंगे। तो द फंडामेंटल डिफरेंस जो मार्केट में मिलती है और जो आपके कंप्यूटर में है, उसमें वो सिर्फ 2 पिन का है, जो 2 एक्स्ट्रा पिन एलईडीज के लिए होती है जो ब्लिंक करती है फॉर, ठीक है ना। सो कंप्यूटर के अंदर आपको 14 पिन के लिए मिलेगी, तो ये 14 बाकी रिमेनिंग 14 पिन आर एग्जैक्टली द सेम जो आपको मार्केट से एलसीडी मिलती है, ठीक है। सो उसमें उन 14 पिन की फंक्शनलिटी क्या क्या है, लेट मी सी इफ आई कैन शो यू द डायग्राम, ठीक है। ये इसकी कनेक्टिविटी है, आप इसमें डेटा पिन्स हैं 8, उनको जो है आप किसी पोर्ट के साथ लगा दें, ठीक है। ये जो 2 एक्स्ट्रा एलईडीज हैं इस डायग्राम में शो है, लेकिन आपको प्रोटियस में ये नजर नहीं आएगी, ठीक है ना। ये मार्केट से आप खरीदते हैं तो उसमें ये होगा, एक को ग्राउंड को और दूसरे को VCC के साथ कनेक्ट करना होता है, सो दैट विल शो यू दीज एलईडीज। अच्छा, दीज आर द फर्स्ट 8 लाइन्स जिसमें आपको आप डेटा भिजवाते हैं जो यहाँ पे आपने डिस्प्ले करना हो। देन यू हैव इनेबल पिन, यू हैव रीड राइट पिन, यू हैव RS पिन, यू हैव VAE, ठीक है, जो कि इसकी रिजोल्यूशन को कंट्रोल करती है। यू हैव VDD विच इज ग्राउंड, एंड यू हैव VSS इज एक्चुअली ग्राउंड, VDD इज योर 5 वोल्ट सप्लाई, ठीक है। बाकी रिमेनिंग ये रिसेट सर्किटरी है, ये आपकी क्रिस्टल सर्किटरी है। ये डायग्राम एज इट इज आप इम्प्लीमेंट करेंगे प्रोटियस में, यू वुड बी एबल टू सी करेक्टर्स वंस यू रन द प्रोग्राम आउट देयर, ठीक है। सो दिस इज अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ दोस पिन्स। VSS पे आप ग्राउंड कनेक्ट करते हैं, VCC पे 5 वोल्ट सप्लाई, वहां पे VDD लिखा हुआ था, बाज़ औकात इसको VCC, बाज़ औकात इसको VDD के नाम से पुकारा जाता है। देन यू हैव VEE जो कि कंट्रास्ट को कंट्रोल करता है। बाज़ औकात आपका डिस्प्ले आ रहा होगा, लेकिन अगर आपने कंट्रास्ट पे वोल्टेज कुछ ज्यादा कर दी हो तो इट वॉन्ट बी एबल टू शो यू एनीथिंग। तो कंट्रास्ट ये करता है कि आपको जो बैकग्राउंड और फ्रंट इन जो डार्कनेस है
वो विजिबिलिटी शो करता है। नॉर्मली 2.4 2.3 वोल्ट पे क्लियर विजिबिलिटी होती है। इसके अलावा पिन आरएस है, वो ये शो करता है कि आपने इस वक्त कमांड भिजवाया है एलसीडी को या डेटा भिजवाया है। कमांड क्यों जरूरी है? देखिए, एलसीडी में मुख्तलिफ जगह होती हैं जहां पे आप करेक्टर डिस्प्ले करते हैं, ठीक है ना। लेट्स से आपके पास 20x4 एलसीडी है, तो इसका मतलब है कि इसमें 20 कॉलम्स हैं और 4 इसमें रोज हैं। तो आपने कहाँ पे करेक्टर शो करना है उसके लिए पहले कमांड भिजवाना होता है। जब तक आप कमांड नहीं भिजवाते तो एलसीडी को पता नहीं होता कि ये जो आप मुझे लेटर भिजवा रहे हैं ए बी सी डी या कोई भी लेटर भिजवा रहे हैं, इसको डिस्प्ले कहाँ किया जाए, ठीक है ना। सो पहले कमांड भिजवाना होता है, फिर डेटा भिजवाना होता है। ये चीज ध्यान में रखें। कोई भी एलसीडी आप इंटरफेस करते हैं, इसमें दो मोड होते हैं ऑपरेशन के, एक कमांड और दूसरा डेटा। कमांड का मतलब कि आपने किधर एक्टिविटी करनी है, ठीक है, और डेटा का मतलब क्या एक्टिविटी करनी है, क्या शो करना है। कर्सर शो करना है, ए बी सी डी शो करना है, 1 2 3 शो करना है, क्या शो करना है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद है रीड राइट। नॉर्मली एलसीडी में हमेशा मेमोरी होती है रैम के फॉर्म में होती है, परमानेंट मेमोरी बहुत रेयरली एलसीडी में होती है। तो वो ये होता है कि आप अक्सर जो है अपने मोबाइल स्क्रीन से कुछ डेटा मैसेज कॉपी करते हैं, दूसरी जगह पे पेस्ट करते हैं, तो वो रैम में ही लिखा होता है, वहां से आप, तो आप स्क्रीन से चीजें जो है रीड कर सकते हैं। सो यू यू डोंट हैव टू ओनली राइट थिंग्स टू एलसीडी, यू कैन एक्चुअली रीड फ्रॉम इट एज वेल। तो जो भी चीजें आपने भिजवाई होती है वो वहां पे रैम में अवेलेबल होती है, यू कैन रीड इट फ्रॉम देयर। देन द नेक्स्ट पिन इज इनेबल, ठीक है। जब भी आप डेटा या कमांड भिजवाते हैं उसके साथ इनेबल सिग्नल भिजवाना होता है। इनेबल नॉर्मली हाई टू लो या लो टू हाई सिग्नल होता है, ठीक है। ये एक ट्रांजिशन होती है, जब आप ट्रांजिशन इसलिए जरूरी होती है कि आप कंटिन्यूसली वन भिजवाए तो इसका मतलब है कि वो सेम कमांड 50 मरतबा वो रिसीव करे, इसलिए कि कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर एलसीडीज दे आर वर्क एट अ वेरी प्रीटी हाई स्पीड। तो आप ट्रांजिशन भिजवाते हो तो सिर्फ उस ट्रांजिशन के वक्त जो है ये कमांड या डेटा रिसीव करता है, ठीक है। एंड देन द रिमेनिंग 8 बिट्स आर एक्चुअली फॉर द डेटा आर कमांड वर्ड, ठीक है। इज दिस क्लियर? यस सर। अच्छा, अब आते हैं कि कमांड्स आपके पास क्या क्या है। दीज आर द लिस्ट ऑफ कमांड्स जो कि आप एलसीडी को भिजवाते हैं। द फर्स्ट वन इज क्लियर डिस्प्ले, सेकेंड वन इज रिटर्न होम, द थर्ड वन इज डिक्रीमेंट कर्सर, मीन कर्सर को पीछे लेके आना, ठीक है। 6 भिजवाते हैं इंक्रीमेंट कर्सर, वो कर्सर जब आप मूव करते हैं नॉर्मल एलसीडी में, ठीक है। वो पुराने मोबाइल्स में अगर आपको याद हो आप कर्सर मूव करते थे, ठीक है। फिर शिफ्ट डिस्प्ले राइट, आपने कोई डिस्प्ले को आगे पीछे शिफ्ट करना हो, ठीक है। शिफ्ट डिस्प्ले लेफ्ट, डिस्प्ले ऑफ करना, कर्सर ऑफ करना, डिस्प्ले ऑफ करना, कर्सर ऑन करना, डिस्प्ले ऑन करना, कर्सर ऑफ करना, ठीक है। इसी तरह डिस्प्ले ऑन विद कर्सर ब्लिंकिंग, आप देखते हैं वो पुराने मोबाइल में 3310 वगैरह में आप मैसेज लिखते थे तो कर्सर ब्लिंक करता था, ठीक है। इसी तरह डिस्प्ले ऑन कर्सर ब्लिंकिंग है, डिस्प्ले ऑफ कर्सर ब्लिंकिंग है, शिफ्ट कर्सर पोजीशन टू लेफ्ट, शिफ्ट कर्सर पोजीशन टू राइट, शिफ्ट द इंटायर डिस्प्ले टू लेफ्ट, ठीक है, शिफ्ट द इंटायर डिस्प्ले टू राइट, फोर्थ कर्सर टू बिगिन फ्रॉम फर्स्ट लाइन। अगर आपने फर्स्ट लाइन से डेटा स्टार्ट करना है तो 80 भिजवाएंगे, ठीक है। अगर सेकेंड लाइन से भी स्टार्ट करना है तो C0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। एंड 38 शोज 2 लाइन्स एंड 5x7 मैट्रिक्स कैन बी यूज फॉर डिस्प्ले, ठीक है। So these are the commands that you are going to be used. This table is supposed to be available to you for the exam. अच्छा, अब आगे जाते हैं। These are the connectivity, जरूरी नहीं कि आप पोर्ट 2 के साथ कनेक्ट कर लें, आप इसको पोर्ट 1 के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये पोर्ट खाली है, ठीक है। पोर्ट 2 के पिंस पोर्ट 3 की जगह पे आप कमांड्स के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये तीन तो परमानेंट कनेक्टिविटीज है ना, ठीक है। So this is you have ground, you have VCC, and then you have the contrast, ठीक है। ये तीन पिन जो है आप कमा वो भिजवाते हैं, सिग्नल भिजवाते हैं कि आपने एलसीडी से इस वक्त क्या करना है, रीड करना है, राइट करना है, कमांड भिजवाना है या डेटा भिजवाना है, और यहाँ पे वो डेटा या कमांड अवेलेबल करना है आपने। तो पर्टिकुलर पोर्ट के साथ आपने इन पिन को कनेक्ट करना होता है, ठीक है। अच्छा, अब जाते हैं एक्चुअल प्रोग्राम में। लेट्स से इस पर्टिकुलर केस में पोर्ट 1 के साथ आपकी एलसीडी लगी हुई है, ठीक है।
पिन 2.0 के साथ आपका आरएस पिन लगा हुआ है, पिन 2.1 के साथ आपका रीड राइट पिन लगा हुआ है, पिन 2.2 के साथ आपका इनेबल पिन लगा हुआ है, ठीक है। लेट्स से दिस इज द कनेक्टिविटी। अच्छा, एक चीज जहन में रखें, ये जो फर्स्ट स्टेप्स हैं 38H0EH01 और 06, ये कमांड आपने इनिशियलाइजेशन ऑफ एनी एलसीडी भिजवाने होते हैं, ठीक है ना। ये आप इसको रट लेते हैं या जो भी करते हैं, लेकिन ये शुरू के कमांड आपने भिजवाने होते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने क्या किया, इसमें कमांड और डेटा दोनों के लिए इंडिपेंडेंट फंक्शंस लिख दिए, ये कमांड का फंक्शन और ये डेटा का फंक्शन, ठीक है। सो काम आसान करने के लिए क्या किया, जो भी वैल्यू भिजवानी है उसको एक्युमुलेटर में डालो, अगर कमांड भिजवाना है तो एक आल कमांड, और अगर डेटा भिजवाना है तो एक आल डेटा। अच्छा, यहाँ पे भी आप या तो इसको अंडरस्टैंड करें, अंडरस्टैंड नहीं करते तो ये चूंकि सेम होता है थ्रू आउट, अगर आपकी कनेक्शन सेम है ना तो ये कमांड का फंक्शन और डेटा का फंक्शन हमेशा सेम होता है, तो इस पे आप आराम से रट्टा भी लगा सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, बट आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, ठीक है। अच्छा, ये कमांड सबसे पहले आपने 38H लेट से एक्युमुलेटर में डाल दी, एंड देन यू कॉल कमांड, यू गाइस आर विद मी राइट? हेलो, यस सर। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, हम एक छोटा सा प्रोग्राम जो कि ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि हमने ये सिंपल एक वर्ड है NO, इसको शो करना है डिस्प्ले पे, ठीक है। ये प्रोग्राम आप एज इट इज रन करेंगे अपनी उस पे कील पे, उसे फाइल जनरेट करें, फिर जो है आप इस तरह इसकी कनेक्टिविटी करें, 8051 कंट्रोलर है, एलसीडी के साथ ये पिन लगा दें, ये पिन इस तरह एलसीडी के साथ लगा दें, ठीक है, और VEE, VCC और VSS इस तरह कनेक्ट कर दें। ये डायग्राम आप बना सकते हैं ना प्रोटियस में? यस सर। ठीक है, और ये प्रोग्राम रन करेंगे तो एलसीडी पे आपको शो होगा NO, ठीक है, नो, ठीक है। अच्छा, ये शुरू के चार जो है, पहले ये डेटा भिजवाया, हम एक छोटा सा डिले इन बिटवीन जनरेट कर रहे हैं, उसका रीजन ये है कि आप डिजिटल कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होती है और एक ही सेम डेटा बार बार भिजवाते हैं, मतलब आपने 38 भिजवा दिया, उसके फौरन बाद ये भिजवा दिया, तो ये अभी उसने एलसीडी ने प्रोसेस नहीं किया होगा, एंड यू विल सेंड अनदर कमांड। सो द बेस्ट थिंग इज आप एक कमांड भिजवाएं, उसके बाद एक छोटा सा डिले जो कि नॉर्मली मिली सेकंड में होता है वो इंट्रोड्यूस करें, उसके लिए हमने सिंपल लूप्स ले गए हुए हैं। देखें, ये सिंपल लूप्स है, R4 की वैल्यू वेरी होती है और R3 की वैल्यू होती है, तो एक छोटा सा लूप है, ठीक है ना, एंड हमने इसको लेबल किया हुआ है डिले से, तो अब आप एक कॉल डिले लिख देते हैं तो ये इसको कॉल कर देता है, ठीक है। अच्छा, सो ये फर्स्ट वर्ड हमने भिजवा दिया, ठीक है, तो ये डिफाइन कर देता है, ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है। इसी तरह डिस्प्ले ऑन एंड कर्सर ऑन करने के लिए ये 0E भिजवा दिया, एलसीडी को क्लियर करने के लिए 01 भिजवा दिया, ठीक है, फिर शिफ्ट द कर्सर टू द राइट, उसके लिए 06 भिजवा दिया, ठीक है। ये चार आपने भिजवाने होंगे, उसके बगैर आपकी एलसीडी इनिशियलाइज नहीं होगी, उस पर कुछ भी काम नहीं करेगा। अच्छा, इसके बाद यहां से आपका काम शुरू हो जाता है, आपने डिस्प्ले कहां पे करवाना है NO को, अगर 84 लिखते हैं तो ये सेंटर में डिस्प्ले होगा, 80 लिखते हैं तो ये शुरू में डिस्प्ले होगा, ठीक है ना, 81 लिख दे तो सेकंड प्लेस में, 82 नेक्स्ट, 83 नेक्स्ट, 84 इसको सेंटर पे ले आता है, ठीक है, देन यू सेंड द कमांड। ये पांच के पांच कमांड है, इसके बाद हमने डेटा भिजवाना है, तो जो डेटा भिजवाना होगा उसको एक्युमुलेटर में डालते हैं, ठीक है, एंड वी कॉल डेटा, ए कॉल डेटा, तो डेटा जो है डेटा का ये पर्टिकुलर फंक्शन है, ठीक है। सो अगर नेक्स्ट करेक्टर आपने क्या भिजवाना है, ओ भिजवाना है, उसको एक्युमुलेटर में डाल दें, यू कॉल डेटा एंड यू रिपीट द प्रोसेस, सो ये कंटिन्यूसली NO को भिजवाता जाएगा। अच्छा, ये फंक्शन जो है ये क्या करते हैं, हमने जो डेटा या जो कमांड भिजवाना है, लेट्स से ये कमांड का कोड है, तो कमांड में क्या करते हैं, वो वैल्यू आपने P1 पे भिजवा दी, P1 पे ये आ गया, ठीक है। फिर हमने क्लियर 2.0, इसका मतलब है कि हम कमांड भिजवा रहे हैं, RS को जीरो करना पड़ेगा, RS के साथ P2.0 लगा हुआ है, हम इसको जीरो कमांड भिजवाने के लिए हम इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कि हम राइटिंग कर रहे हैं, हम LCD को कोई चीज भिजवा रहे हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रीड राइट को जीरो करना पड़ेगा, सो वी यूज क्लियर P2.1, पिन 2.1 जो है यहाँ पे लगा हुआ है, सो वेन वी क्लियर दैट, दैट मीन्स कि हम LCD को कोई चीज भिजवा रहे हैं, इसे रीड नहीं कर रहे, इसमें राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है।
नेक्स्ट इज कि हमने इनेबल हाई टू लो भिजवाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेट बिट 2.2 जो कि इनेबल के साथ लगा हुआ है, पिन 2.2 इनेबल के साथ लगा हुआ है, पहले उसको हाई करेंगे, फिर एक छोटा सा डिले जनरेट किया और फिर क्लियर करेंगे, तो ये हाई टू लो सिग्नल एंड रिटर्न, ठीक है। सो जब आप रिटर्न करेंगे इट विल गो बैक टू द मेन प्रोग्राम। तो जो कमांड था वो P1 में गया, ठीक है, हमने RS पे एक वैल्यू दे दी कि ये कमांड है, रीड राइट पे 0 दे दी, इसका मतलब है वी आर राइटिंग समथिंग ऑन टू द LCD, और इनेबल को हाई टू लो किया, ठीक है। तो ये छोटा सा कोड जो है ये कमांड ट्रांसफर करता है LCD को। फिर नीचे अगर आपने डेटा भिजवाना हो, डेटा और कमांड में सिर्फ एक डिफरेंस है, इन केस आप कमांड RS की वैल्यू 0 होती है, इन केस आप डेटा RS की वैल्यू हमने 1 करनी होती है, बाकी कोड एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। सो ये RS डिटरमिन करता है कि हम इस वक्त डेटा भिजवा रहे हैं या हम इस वक्त कमांड भिजवा रहे हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। तो अगर आपने NO की जगह पे कोई भी दूसरी चीज भिजवानी है तो यहां पे चेंज कर लें, ठीक है, NO इसके नीचे और लिखते जाएं, और ये तीनों तीन लाइंस आपने ऐड करनी होगी बार बार, मूव ए कामा जो चीज भिजवानी है, ए कॉल डेटा और ए कॉल डिले, ये तीन चीजें आप लिखते जाएं और नीचे जाते जाएं, आहिस्ता आहिस्ता जो है जो आप लिखेंगे वो नीचे वहां पे LCD पे डिस्प्ले होगा। तो आपका जो दूसरा असाइनमेंट है जो कि आप लोगों ने मुझे नेक्स्ट वीक डिमॉन्स्ट्रेट करना है वो ये कि LCD पे आपका नाम नजर आ रहा हो दूसरे लाइन पे, ठीक है, फर्स्ट लाइन पे नहीं दूसरे लाइन पे, ठीक है। ठीक है सर जी, जी डेटा में बता देंगे। देखें ये कोड और ये कोड आप देख लेना, ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ फर्क ये है कि जब आपने कमांड भिजवाना हो तो RS पिन को 0 करना है जो कि पिन 2.0 के साथ लगा हुआ है, तो क्लियर 2.0, ठीक है। और जब डेटा भिजवाना हो तो आपने क्या करना होगा, पिन 2.0 ऑन करना होता है, सेट बिट। जी सर जी, कमांड का मतलब क्या, मतलब कमांड का मतलब ये है कि आपने LCD को कॉन्फ़िगर करना है कि जी इसने डेटा कहाँ पे शो करना है, इसने क्लियर होना है या इसने कर्सर शो करना है, तो ये कमांड है। कोई चीज डिस्प्ले करनी हो तो वो डेटा होता है, कहाँ पे डिस्प्ले करनी हो वो कमांड होता है, ठीक है। ठीक है सर। ओके अच्छा, देन देयर इज दिस अनदर प्रोग्राम, इट्स similar to the previous one but written in a more compact form, ठीक है। इसमें भी यही connectivities हैं, ठीक है, you send you command, इसमें जो है delay इन्होंने introduce नहीं किया, so you can have delay or you can skip delay, ठीक है। इसमें in fact इन्होंने ये किया कि इन्होंने they kind of wait for the कि ready है या नहीं है, ठीक है ना, बिजी फ्लैग इंट्रोड्यूस करवाया, ये पल्स इंट्रोड्यूस आई वुड सजेस्ट इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस थिंग व्हिच इज लाइक मोर ट्रबलसम, आई वुड सजेस्ट यू यूज दिस डिले से, इट ऑलवेज इंश्योर इट वर्क्स। आप दोनों प्रोग्राम्स को कंपाइल कर लें, दोनों जो है आपको NO शो करेंगे, यू सी द डिफरेंस एंड यू कैन डिस्कस इट विद मी नेक्स्ट वीक, दोनों में क्या फर्क आया, ठीक है। ठीक है सर जी, गुड ग्रेट। अच्छा जी, सो ये वो शो करता है कि जब भी ट्रांजिशन होती है देयर हैज टू बी ए स्मॉलर डिले बिटवीन डिफरेंट एंटिटी, व्हेन देयर इज डिले सो इट इंश्योर्स के जी सारी एक्टिविटीज प्रॉपर हो जाए, ठीक है, ये आपके डेटा पिन, ये आपका इनेबल लो टू हाई, हाई टू लो, ठीक है, ये आपका रीड राइट पिन जो कि आपने चेंज किया, ये आपका RS। सो एक्टिविटीज कब होती है, जब ये सारी चीजें एट द सेम टाइम अवेलेबल हो, ठीक है। यस सर। देखें एग्जैक्टली मतलब आप जब डेटा अवेलेबल है तो ये सारी एक्टिविटीज हो रही है, इस इंस्टेंट पे जो ही ये हाई टू लो होता है तो ये द डेटा इज गोइंग टू बी ट्रांसफर टू द डिवाइस। तो इस पॉइंट पे आपके पास इसकी वैल्यू भी 0 होनी चाहिए और इसकी वैल्यू भी 0 होनी चाहिए। तो ये डिले हम इसे इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि ये सारे कमांड जब एग्जीक्यूट हो तो ये सारी अवेलेबिलिटी भी हो, ठीक है, नैनो सेकंड्स में नॉर्मल ये चीज आती है, सो इट्स वेरी स्मॉल अमाउंट। अच्छा, देन यू कैन आल्सो काइंड ऑफ
तो गेट अगर आपके पास बड़ी एलसीडी हो 40x2 हो तो अकॉर्डिंगली उसका कोड चेंज होता जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने सिर्फ दो रोज वाली एलसीडी कंसीडर की है ना, ठीक है, टू रोज। तो उस केस में ये है कि हमारे पास सिर्फ दो कमांड्स हैं कि फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन। ये टेबल जो है हर एक एलसीडी का अवेलेबल होता है डेटा शीट में। जब भी आप एलसीडी मार्केट से खरीदेंगे उसके साथ एक टेबल मिलेगा, उस टेबल में ये सारी इंफॉर्मेशन होती है कि इनिशियलाइजेशन के क्या कमांड है और फिर कर्सर को फोर्स करने के क्या कमांड है, ठीक है। सो इट्स जस्ट एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कि अगर आपके पास बड़ी एलसीडीज हो तो उसको किस तरह इंटरफेस करेंगे, ठीक है। इट्स जस्ट गिविंग यू द आइडिया ऑफ हाउ टू डू दैट। अच्छा, दिस इज अनदर केस, वेट लेट मी सी वेयर द प्रोग्राम फॉर दिस इज। अगर आपने पूरा एक हेलो जो है वो डिस्प्ले करना हो एलसीडी पे, ठीक है, ये कमांड और डेटा के फंक्शन वही है, डिले का भी वही फंक्शन है, सिर्फ इसमें ये है कि आपका जो मैसेज है वो कहाँ पे लिखा हुआ है उसको DPTR में डाल दें, फिर ए को क्लियर करें और उसको फर्स्ट करेक्टर को लोड करें, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज इन्होंने की है, सॉरी, ये कमांड्स भी सारे एक जगह पे लिख दिए, ये फर्स्ट कमांड, सेकंड कमांड, थर्ड कमांड, फोर्थ कमांड एंड फिफ्थ कमांड, विच शोज कि जी कहाँ से आपने लिखाई स्टार्ट करनी है, एंड डेटा को दूसरी लोकेशन पे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे हेलो की जगह पे आप अपना नाम लिख देंगे तो वो LCD पे डिस्प्ले हो जाएगा। आई एम जस्ट गिविंग यू अ हिंट, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं दिस इज ए केट तो वहां पे आपके LCD पे शो होगा दिस इज ए केट, ठीक है। सो इट्स ए स्टैंडर्डाइज्ड प्रोग्राम। ये प्रोग्राम करता क्या है, सबसे पहले ये कमांड्स जो है उसको DPTR में डालें और फिर एक एक कमांड को लोड करके इस लूप में कंटिन्यू करें जब तक आपका कमांड जीरो ना आ जाए। इसके आखिर में, सॉरी, इसके आखिर में ये जीरो इसलिए लिखा हुआ है टू इंडिकेट के जी कमांड खत्म हो गया। जो ही जीरो आ जाता है देन इट से सेंड डेटा, सो इट जंप टू सेंड डेटा। सेंड डेटा में फिर क्या करता है, DPTR की वैल्यू चेंज कर दी माई डेटा में, ठीक है। ये माई डेटा इज द लेबल फॉर योर डेटा, ठीक है। अच्छा, माई डेटा करके दोबारा एग्जैक्टली सेम इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कमांड को हम कॉल करते थे, यहाँ पे हम डेटा को कॉल करेंगे, ठीक है। इंक्रीमेंट करके जंप जीरो, इसका अगेन मतलब ये है कि आखिर में आप जीरो लिख देंगे तो पता चल जाएगा LCD को कि इसके बाद कुछ नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ पे आप पूरी तर्शी क्रो लिख सकते हैं और वो LCD पे शो होगा। जो भी आप लिखते हैं ना कमांड तो थ्रू आउट सेम होंगे, इट्स नेवर गोना चेंज। जो द ओनली थिंग दैट इज गोना चेंज इज व्हाट यू राइट हियर। तो यहाँ पे आप वो जो प्रीवियस प्रोग्राम था नो का, अगर यहाँ पे सिंपल NO लिखते हैं ना तो ये प्रोग्राम वो भी शो करेगा। सो दिस इज ए काइंड ऑफ स्टैंडर्डाइज प्रोग्राम विच विल शो यू एनीथिंग दैट यू वांट टू डिस्प्ले ऑन LCD। इज दैट क्लियर? यस सर। सर जो असाइनमेंट दिया आपने तो वो भी तो इससे हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसमें मैंने कहा कि आपने सेकंड लाइन पे शो करना है, यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे। यस सर, ठीक है, वो चेक कर। अच्छा, देयर इज अनदर एग्जांपल हाउ टू डू द सेम थिंग एग्जैक्टली विद द सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम में किस तरह करेंगे, देखें, एस बिट RS पिन 2.0, रीड राइट पिन 2.1, एनेबल पिन P2.2, और यहाँ पे इसने बिजी पिन के साथ किया, बट यू कैन यूज द फॉर लूप। देखें, LCD कमांड फंक्शन को ये कॉल कर रहा है और ये 38H 0E 01 06 को भिजवा रहा है, फिर 86 को भिजवा रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ पे इससे थोड़ी सी गलती हुई है, ठीक है। इट हैज टू बी द सेकंड वन, दिस दे हैव टू बी, इंस्टेड ऑफ कमांड दिस इज सपोज टू बी डेटा। तो सेकंड फंक्शन जो है आपका LCD डेटा है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ LCD कमांड यू हैव टू यूज LCD डेटा, ठीक है। दिस हैज टू बी LCD डेटा, दिस हैज टू बी LCD डेटा बिकॉज दिस इज डेटा, ठीक है। एक चीज ध्यान में रखें कि अगर मैंने यहाँ पे कैपिटल यूज किया तो वहां पे फंक्शन में भी आप कैपिटल ही यूज कर ले, ठीक है ना, ठीक है। तो ये आपका LCD डेटा का फंक्शन आ गया और फिर ये आपका LCD रेडी अगेन, इट्स यूजिंग द बिजी फ्लैग टू चेक आउट वेदर इज डन आर नॉट, ठीक है। LCD कमांड का फंक्शन ये आ गया, LCD डेटा का फंक्शन ये आ गया, ठीक है। सो वही एग्जैक्टली वही फंक्शंस हैं, इट कॉल द फंक्शन, इट सेंड्स द वैल्यू। तो ये पहले तीन जो है वो फंक्शन आपको शो कर देंगे, फर्स्ट फोर, ठीक है। उसके बाद आपने जो फिफ्थ वन है इट शोज के सिक्स पोजीशन पे जो है ये
MDE ये शो करेगा, MDE दैट्स इट, सिर्फ MDE शो कर रहा है, तीन करेक्टर शो कर रहा है, ठीक है। दिस इज आल्सो कमांड, सॉरी लेट मी जस्ट, दिस वन इज कमांड CMD, ठीक है। तो वही असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम एज इट इज यहाँ पे चेंज हुआ है, एंड इट्स कॉलिंग द फंक्शन एंड इट इज सेंडिंग द डेटा, ठीक है। ये आप ये भी रन कर लें किल में और प्रोटीज में इंप्लीमेंट करें, लेट्स सी व्हाट यू सी ऑन एलसीडी, शो दैट टू मी ड्यूरिंग द नेक्स्ट क्लास एंड वी विल हैव फर्दर डिस्कशन ऑन इट, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट चीज आती है कीबोर्ड, आई थिंक वी शुड डिस्कस कीबोर्ड इन द नेक्स्ट क्लास, वी ऑलरेडी डिस्कस टू थिंग्स टुडे, मेरा ख्याल था कि सीरियल कम्युनिकेशन लास्ट वीक हो चुका था लेकिन इट्स नहीं, इट्स नॉट डन, सो द टू टॉपिक्स आर गुड एनफ फॉर अ वीक। यस सर, काफी सर, मैं वो नोटिफिकेशन स्क्रीन शेयर करूंगा आपके साथ।